मैंने आपको क्वेश्चन दिया था टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा प्रूव करने किया सबने। कॉपी खोल के रखो, मैं आ रही हूं। दिखाओ काव्य, दिखाओ। हाँ जी दिखा रहा, कैसे किया आपने? आर अल्फा, आर अल्फा कहां से है? आर अल्फा कहां से है? ठीक है, आपने किया सबने? कॉपी दिखाओ, आप लाओ। श्रेया कॉपी लाओ। क्यों ये? ये कितना सा दिखाऊं, कितना है ये? कल जब होमवर्क आज क्या, तो कल क्या करना है? मैंने सारे आपको ही काम पड़ जाते हैं। ये काम ना सबसे पहले कर लो, ठीक है? ये प्रायोरिटी है पढ़ने की। आई वॉन्ट अलाउ टू यू टू सिट इन द क्लास अदरवाइज, ठीक है? आर एफ, एफ फिजिकल टू एम ए, जितना भी इंपॉर्टेंट काम हो ये आप देखना कितना टाइम लग रहा है। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, लाइक वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। व्हाट इज एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना टाइम लगा? इतना टाइम भी नहीं था पूरे दिन में तुम्हारे पास। सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है? बट मतलब हमने पहले भी टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा प्रूव किया है, पर हमने कैसे किया था? यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एंड पावर, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ये सिंपल मेथड, ऐसे भी कर सकते, ठीक है? कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशंस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ वी आर गोइंग टू राइट मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम डिराइव करते थे, अभी सिर्फ वैल्यूज ही आपको बतानी है, तो वैल्यू डायरेक्टली आप यूज कर सकते, ठीक है? ऑब्जेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोट करिए। फर्स्ट है यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, वन बाय ट्वेल्व एम एल स्क्वेयर, ठीक है? ये है एक्सिस, कौन सी है ये? मतलब कि अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एक्सिस जेड और जेड डैश। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, इसका मतलब इट इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द। अगर हम मेंशन नहीं कर रहे कि कौन सी एक्सिस है, तो ये अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट कि हम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन ले रहे हैं, ये वाली एक्सिस ले रहे हैं जिसको हम जेड और जेड डैश बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 1 by 12 ml square, where L is length of the rod. L is length of the rod. अब अगर हम about an axis passing through edge करें, ये है हमारी axis passing through the edge,
तब ये फॉर्मूला है 1/3 ml स्क्वायर. इट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एन एज ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो ये फॉर्मूले लर्न कर लो, न्यूमेरिकल होंगे आपके, सिर्फ डेरिवेशन नहीं है इसके, न्यूमेरिकल होंगे. हाँ, पर डिपेंड करता है ना एक्सिस कौन सी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट होगा, मतलब किसके अबाउट रोटेट कर रही है ऑब्जेक्ट, दैट मैटर्स. छह सात हैं, पेन देना एक मिनट. जस्ट आपको समझाने लगी हूँ कि क्या डिपेंड करता है. जैसे अगर हम इसको रोटेट करें बैंगल को, तो ये अबाउट सेंटर, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी. हम इसके अबाउट भी तो रोटेट कर सकते हैं ना, इसको इसके अबाउट भी तो रोटेट कर सकते हैं ना, लाइक दैट. ठीक है, एक्सिस डिफरेंट हो सकते हैं, अबाउट डायामीटर भी कर सकते हैं, अबाउट डायामीटर भी कर सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि हम इस रॉड को सेंटर के अबाउट रोटेट करें, हम एज के अबाउट भी तो रोटेट कर सकते हैं ना, तो एक्सिस डिफरेंट हो सकती है, राइट. सेकेंड है, इसके बाद लिखिए रिंग. रिंग के तो फोर केसेस हैं, रिंग के फोर केसेस हैं, पर मैं आपको दो ही बताऊंगी. वही पहली तो वही है, जेडो जेड डैश मतलब ये वाली होगी, ठीक है, अबाउट एक्सिस जेडो जेड डैश मतलब ये वाली. बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो सेंटर और परपेंडिकुलर टू प्लेन. अदिति में लिख लो, अदिति तो ये रिंग है. जैसे ये बेंगल अभी मैंने दिखाई, ये रिंग है, तो अबाउट एक्सिस जेड डो जेड डैश. तो मैंने इसका ये वाला पोर्शन क्यों नहीं शो किया, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये रिंग के सेंटर में से पास कर रही है, यहां से पास कर रही है, तो ये वाला पोर्शन शो नहीं किया मैंने, ठीक है. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वेयर. आर इज द रेडियस, आर आर इज रेडियस ऑफ द रिंग. तो इसका फॉर्मूला है सिंपली एम आर स्क्वेयर, ठीक है. ये हो गया अबाउट दिस एक्सिस. अब लिखो अबाउट डायामीटर. डायामीटर के अबाउट, जैसे कि ये अबाउट एनी ऑफ द डायामीटर्स, किसी भी डायामीटर के अबाउट. अब उसका फॉर्मूला हाफ हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू, अबाउट एनी ऑफ द डायामीटर्स हाफ एम आर स्क्वायर. वैसे आप पहला पहला वाला लर्न करो, न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट वाला यूज होगा जो बाय डिफॉल्ट, फर्स्ट वाला यूज करिए आप. थर्ड है डिस्क. डिस्क जैसे कि प्लेट होती, रिंग जो अंदर से हॉलो होती है बैंगल की जैसे, एंड डिस्क इज लाइक अ प्लेट, मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इसका रेडियस आर है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर. डिस्क का अबाउट जेड जेड डैश है हाफ एम आर स्क्वायर. डायमीटर वाले रहने ही देती हूँ, आप कंफ्यूज ही हो गए, एक एक ही बता देती हूँ, ठीक है. तो डिस्क का मेन एक्सिस के अबाउट है हाफ एम आर स्क्वायर, रिंग का कितने एम आर स्क्वायर. तो इसका मतलब हॉलो जो बॉडीज हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होता है. तो नोट डाउन दिस थिंग ऑल्सो, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. आपने देखा रिंग हॉलो है, डिस्क जो है वो सॉलिड है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ग्रेटर है. तो ऐसे ही बाकी हॉलो ऑब्जेक्ट्स का भी होगा. तो लिखिए क्वेश्चन, व्हाई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो ऑब्जेक्ट्स मोर देन दैट ऑफ
more than that of solid objects. कोई बता सकता है रीजन? सॉलिड ऑब्जेक्ट. एनीवन कैन टेल द रीजन व्हाई इज दिस सो? कोई आइडिया अबाउट इट? इसके बाहर नहीं है सेंटर ऑफ मास का रीजन, पर रीजन ये है कि इसमें मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं एवरेज लगा लेते हैं. मैटर जो है वो कहीं एवरेज यहाँ पे है, तो वो डिस्टेंस कम होता है. बट रिंग में सारा का सारा जो मैटर है वो तो यहाँ पे है, तो उसका डिस्टेंस मैक्सिमम है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका ग्रेटर होता है, उनका कम. ये रीजन, ठीक है? क्योंकि जो हॉलो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो सारा मैटर है वो बाउंड्रीज पे होता है, एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो मैक्सिमम. तो यही रीजन लिख सकते हो, फॉर हॉलो ऑब्जेक्ट होल ऑफ द मटीरियल, होल ऑफ द मैटर is on the boundaries, which is at maximum distance from the axis of rotation, which is at maximum distance from the axis of rotation. Okay, is available ya is on the boundaries. So distance is maximum, moment of inertia is also maximum, which is at maximum distance. Ye likh rahe the na, which is at maximum distance from the axis of rotation, from the axis of rotation. So moment of inertia is more. और उस दूसरे केस में एवरेज डिस्टेंस लगा ले कहीं बीच में, तो मैक्सिमम से तो कम नहीं होगा ना, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता. अब फोर्थ है इसके बाद हॉलो सिलेंडर. इसका भी वही है, रिंग वाला सेम एक्सेस वही. क्योंकि देखो एक हॉलो सिलेंडर, अगर आप उसके एलिमेंट्स कट करना स्टार्ट करो तो रिंग्स ही आएंगी ना आपके पास. एक हॉलो सिलेंडर है, अगर उसके पार्ट्स करना स्टार्ट करो आपके पास रिंग आ जाएंगी. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एज दैट ऑफ रिंग. सॉलिड सिलेंडर, उसमें कट करोगे तो डिस्क बाहर आएंगे. तो सॉलिड सिलेंडर का सेम एज दैट ऑफ डिस्क है हाफ एम आर स्क्वायर. हाँ जी, हॉलो. नहीं नहीं रिंग का मेन केस मैंने एम आर स्क्वायर लिखा है. आप डायमीटर वाला अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना रिंग का, उसको काट दो, रहने दो. आप मेन केस करो सबके कंपेयर. हॉलो स्फीयर का है 2/3 mr². हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² एंड सॉलिड स्फीयर 2/5 mr². सॉलिड स्फीयर का है 2/5 mr². फॉर एग्जाम्पल, अब ये बताओ कि इनमें से अर्थ का कौन सा होगा, कौन सा? तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे हम 2/5 mr². फॉर एग्जाम्पल अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे 2/5 mr². ठीक है, हो जाएंगे लर्न. एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें ये यूज होगा. लिखो.
if earth shrinks, if earth shrinks to half its radius, if earth shrinks to half its radius, how will duration of the day be affected? How will duration of the day be affected? डे की ड्यूरेशन पे क्या इफेक्ट होगा? सॉल्व करना है हमें, कितने आवर्स? अभी 24 आवर्स है ना. अगर सपोज अर्थ का रेडियस पहले से हाफ हो जाए, 6400 से 3200 हो जाए, तो ड्यूरेशन ऑफ द डे कितनी हो जाएगी? लेट्स सी, सॉल्व करेंगे इन न्यूमेरिकल. वहां पर कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? कम होगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही. आई ओमेगा कॉन्स्टेंट, मतलब आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू. अब प्रीवियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का था हाफ एम आर वन स्क्वायर या हाफ एम आर स्क्वायर, 2/5, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है. ओमेगा को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, 2π/T. ये पहली सिचुएशन. इन द न्यू सिचुएशन आई टू इज 2/5, इसको आर वन कर लो, टी वन कर लो, एम आर टू स्क्वायर, मास तो वही है. यू कैन राइट लाइक दिस. देखो आफ्टर कैंसिलेशन निकालना क्या है? T2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. अब उन्होंने कहा है कि रेडियस इज हाफ, अर्थ श्रिंक्स टू हाफ इट्स ओरिजिनल रेडियस. तो आर टू इज हाफ ऑफ प्रीवियस और टी वन 24 आवर्स है. चलो कितना आया? कितना हो गया? 6 आवर्स. तो ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड बी 6 आवर्स. अर्थ जो डे है सिर्फ 6 आवर्स का रह जाएगा. अगर अर्थ अपने रेडियस से हाफ हो जाए तो ड्यूरेशन ऑफ द डे विल डिक्रीज टू 6 आवर्स. गॉट दिस? इज दैट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं. कोई डाउट यहां तक? उसके बाद है सपोज वी आर हैविंग टू डिस्क, दो डिस्क है हमारे पास, ठीक है. एक एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, एक दूसरे के अबाउट. एक का मतलब एंगुलर वेलोसिटी मेगा वन है, एक मेगा टू है, इसका रेडियस आर वन है, इसका आर टू है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई वन, दिस इज आई टू. अब हम क्या करेंगे कि इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी सिस्टम, अगर हम इनको सिंक्रोनाइजेशन में सपोज रोटेट करें तो क्या कॉमन वेलोसिटी होगी? आपको याद है हमने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की थी, उसमें हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टुगेदर और मूव विद कॉमन वेलोसिटी. हमने वो कॉमन वेलोसिटी निकाली भी थी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाला था. ऐसे ही अगर हम दोनों डिस्क को इकट्ठे रोटेट करवाएंगे तो
तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल सेम वे, वैसे ही करना बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या कंजर्व्ड होगा, वहां मोमेंटम कंजर्व्ड थी, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। सो बाय कंजर्वेशन क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट डिस्क प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड डिस्क, यही होगा। अब उसके बाद उनका कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, तो आप फाइनल मोमेंटम आफ्टर दे आर कंबाइंड तो वो कैसे लिखोगे, आई वन प्लस आई टू ओमेगा, ओमेगा इज कॉमन एंगुलर स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन एंगुलर स्पीड। वहां पे कॉमन वेलोसिटी का क्या था, m1 v1 plus m2 v2 over m1 plus m2। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, स्पीड की जगह एंगुलर स्पीड होती है, तो वही फॉर्मूला आ गया ना सेम, बस हमने m को i लिख दिया और v को ओमेगा लिख दिया, बिल्कुल वही फॉर्मूला है बस रोटेशनल टर्म्स में आ, ठीक है। अब हम लॉस इन एनर्जी भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल डिफरेंस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कल हमने डिराइव किया, हु विल टेल मी द फॉर्मूला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो वो सॉल्व करते हैं। ये इनिशियल हो गई और ये फाइनल, ये फाइनल हो गई। अब इसमें ये ओमेगा पुट करो, बिल्कुल वही स्टेप है, वैसे ही एलसीएम लेके फाइनली बताइए क्या, चलो करो सर, हाफ कॉमन ले लो, अब लो एलसीएम, रिमेंबर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन वही है, ये करिए एलसीएम लेके सॉल्व इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, यहां पे सीधे बैठो, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है और साथ ही ओपन में कर देंगे, साइन चेंज कर,
ठीक है, क्लियर है ये स्टेप? अब सॉल्व करो, सॉल्व करो, कैंसल आउट हो जाएंगी कुछ टर्म्स, जो बची हैं उनमें से आई वन आई टू कॉमन ले लो। देखो ये स्टेप क्लियर है। व्हाट इज ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर माइनस टू ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर? तो ये बिल्कुल वही टर्म आ रही है हमारी जो उस केस में है। ठीक है, एंड इज दिस डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव? Is this difference positive or negative? Positive. How you can say? Just like mass, moment of inertia is also always positive. Their sum is also positive, and this whole square is also positive. So what can we say about it? That this difference is greater than zero. So that means initial kinetic energy is greater than final kinetic energy. So energy is decreasing. There is loss in kinetic energy. In what form? In the form of heat. So energy is being lost in this case also in the form of heat. Perfectly inelastic collision में याद है आपको क्या था? Expression ये वाला. M1 M2 over 2 M1 plus M2 V1 minus V2. Same यही formula आ रहा था वहां पर. बस ये रोटेशनल टर्म्स में फॉर्मूला होने वाले। इज दैट क्लियर? तो हमारा ये वाला यूनिट भी ओवर हो गया इसके साथ, क्योंकि बाद वाले जो आर्टिकल्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। अदरवाइज था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन, वैसे अवेलेबल है नेट पे, बट आई हैव आई विल सेंड। कल एक्सरसाइज करेंगे बुकलेट।